गाइस मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है विद टी ट्री फेस वॉश। ये एक फोमिंग फेस वॉश है जो कि आपको समर में यूज करना चाहिए, जो कि आपके फेस पे फोम बनाता है और आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। ये टी ट्री का फोमिंग फेस वॉश है, मैं आपको दिखा देती हूँ। टी ट्री का फोमिंग फेस वॉश है, ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। और फेस वॉश करने के बाद मैं अपने फेस को स्क्रब करूंगी। ये स्क्रब है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से ग्रैनुल्स हैं, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपकी स्किन को हार्म भी नहीं पहुंचाएगा। बहुत लाइट हैंड से आपको स्क्रब करना है अपने फेस पे। ये नीम और तुलसी का स्क्रब है जो कि समर में बेस्ट होता है आपके एक्ने कंट्रोल करने के लिए, आपका एक्स्ट्रा सीबम सिक्रेशन कंट्रोल करने के लिए। स्क्रब करने के बाद अब मैं ये वाला फेस पैक यूज़ करूँगी। ये नीम का फेस पैक है। नीम, टी ट्री, ये सब आपको गर्मियों में यूज़ करना चाहिए तो आपके फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन बहुत हद तक कम रहता है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा 10-15 मिनट्स में, तब मैं इसे वॉश कर दूंगी नॉर्मल वाटर से। मैंने वो फेस पैक वॉश कर लिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं टोनर स्प्रे करूंगी। मैं यहाँ पे रोज वाटर का टोनर यूज कर रही हूँ। इसको मैं थोड़ा अब्जॉर्ब होने दे दूंगी अपनी स्किन में। इसके बाद मैं अंडर आई सीरम यूज़ करूंगी। ये कुकुम्बर और लेमन का अंडर आई सीरम है। मैं आपको किसी भी कंपनी का नाम मेंशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर मोस्टली मेरे प्रोडक्ट सेम कंपनी का यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं प्रोडक्ट्स का नाम, मतलब कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट बता दे रही हूँ कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट इस सीज़न में यूज़ करने चाहिए और आपको कौन कौन से प्रोडक्ट इस सीज़न में यूज़ करने चाहिए। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। ये अंडर आई का सीरम, ये एक्चुअली कुकुम्बर एंड लेमन का सीरम है। लगा लेती हूँ। फेस पे सीरम नहीं यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल। अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन जब तक ये पेनिट्रेट ना हो हमें मसाज करना है। इसके बाद मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। ये समर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक्स्ट्रा ऑयल सीबम सिक्रेशन नहीं होता है। ओके, तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ। इसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई कर लूंगी और हो गया। बहुत ही सिंपल सा, हर कोई कर सकता है ये स्किन केयर और ज़रूर करना चाहिए। हमारी स्किन को भी देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है गाइस। ये वाले टिंटेड लिप बाम बहुत पसंद होते हैं क्योंकि जब ये छूट जाते हैं पूरी तरह से आपके लिप्स पे से, तो ये अपना थोड़ा सा टिंट छोड़ देते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।